एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। हम जो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस है उसकी जो सीरीज है वो लेके आए हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा आने वाले एग्जाम के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आज का क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? GV मावलंकर, KM मुंशी, JB पंत या आचार्य कृपलानी? तो निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो जो GV मावलंकर थे वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इनको ही संसद का जनक भी कहा जाता है। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो निम्नलिखित में से जो दलीय व्यवस्था है वो किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था? तो निम्नलिखित में से जो दलीय व्यवस्था है किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका ये अंग है। दलीय व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि जो राजनीति है उसके क्षेत्र में अलग अलग दल होते हैं, अलग अलग पार्टियां होती हैं जो आपस में चुनाव लड़ते हैं, और जो जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार के अंदर आती है। तो दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? किसी अपराध को दोष सिद्ध अभियुक्त की संपत्ति का संपरण, पुलिस से विभिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना, ऐसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो, या ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो। तो ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए शीर्ष न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए शीर्ष न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। शीघ्र विचारण, समयबद्ध विचारण, पीड़ितों के लिए विशेष सुरक्षा आयुक्त या उपयुक्त सभी? तो इसमें जो उपयुक्त सभी है वो है शीघ्र विचारण, समयबद्ध विचारण और पीड़ितों के लिए विशेष सुरक्षा आयुक्त। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 पारित हुआ। तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम है जो 1989 वो कब पारित हुआ? 1 जुलाई 1989, 30 जुलाई 1990, 30 जुलाई 1989 या 1 जनवरी 1990? तो ये जो अधिनियम है ये 30 जनवरी 1990 को पारित हुआ। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अधिमानी स्थिति का सिद्धांत, सुरक्षा विभेद का सिद्धांत या सामंजस्यपूर्ण अर्थनवीन का सिद्धांत? जो सुरक्षा विभेद का सिद्धांत है वो इस जो अधिनियम है उसका सिद्धांत है। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता से उद्भुक्त अपराध घटित नहीं होगा जबकि अभियुक्त का कार्य जनसाधारण के किसी अनुभाग के व्यक्तियों के फायदे के लिए सुस्पष्ट एक पूर्ण न्याय के अधीन फायदे के उपयोग करने के संबंध में हो, या अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में हो, अभियुक्त के अपराध कार्य करने में सक्षम नहीं होने से है, या अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समान हो। तो अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं, अपराध करने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है। तो जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम उसका विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत पर, अनुसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर, संघ राज्य क्षेत्र गोवा दमन एवं दीप के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर। तो ये जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है ये संपूर्ण भारत पर लागू है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, इसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी।
सेकंड है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों की सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया गया और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधीन की छठी अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था। तो इसमें कौन सा सही है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। इसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, इंग्लैंडियन और पारसियों की सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया गया। इसका जो चुनाव था वो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया, तो ये गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की छठी अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार संपत्ति कर दिया गया था। तो ये इसका है। नेक्स्ट है, किस आयोग ने स्थायी अंतर राज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? तो किस आयोग ने स्थायी अंतर राज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, राधाकृष्ण आयोग या मोइली आयोग? तो जो सरकारी आयोग है उसने राज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद था, उसका समर्थन किया। तो फ्रेंड्स, ये थे कुल 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का, के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। हम 10-10 क्वेश्चन रोज़ आपके लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आएंगे। तो आपको ये लेसन कैसा लगा आप कमेंट करके अपना फीडबैक दें। तथा जो इसकी PDF है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो अनअकैडमी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अनअकैडमी पे मेरे द्वारा जो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस और UGC नेट पेपर फर्स्ट है उसके जो कोर्स है वो पब्लिश किया जाता है। तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिससे आपका जो पेपर है वो अच्छे से फाइट होगा। थैंक यू।